हाय एवरीवन दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेकर आए। आईफोन 7 का डिस्प्ले चेंज करना है। चेंज करने से पहले करना क्या दोस्तों कि आपको जो दो नट है चार्जिंग पोर्ट के पास, उस नट को दोनों को आपको खोल लेना बिल्कुल आराम से, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। करने बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको न्यू ब्लेड लेके, न्यू ब्लेड की मदद से आपको डिस्प्ले को नीचे की ओर से ऊपर की ओर चलाना है। आराम से इसी तरह आपको ओपन करना है, इनकी खोलना है और ब्लेड को ध्यान से चलाना है दोस्तों, पूरी मोहब्बत से एकदम, बिल्कुल एकदम प्यार से एकदम चलाना है। और खोलने बाद दोस्तों करना क्या है कि जिस तरफ से डिस्प्ले का पत्ता है उस तरफ से आपको नहीं उठाना है, जिधर पत्ता नहीं उधर तरफ से आपको उठाना है, ताकि पत्ता कटे उठे ना, इस चीज़ ध्यान में रखना आपको दोस्तों। करने बाद दोस्तों करना क्या है कि जो डिस्प्ले के ऊपर जो प्लेट है ना स्टील का, वो आपको ओपन करने की खोलना है। तो सबसे पहले करने से पहले करना क्या है कि आपको सारे नट को आपको खोल लेना बिल्कुल आराम से, और ध्यान में रखें दोस्तों कि छोटा बड़ा नट रहता है तो उसको आपको करना क्या है कि डब्बा बाई डब्बा आपको रख लेना है, या फिर 1-2 लिख के आपको रख लेना है इस जगह का यहाँ का है, इन्हें कि यहाँ का नट वहाँ कर दें ऐसा नहीं, इसलिए आपको माइंड में रख लेना है ध्यान से कि कहाँ का नट कहाँ का है। बिल्कुल खोलने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको स्टील वाला प्लेट है उसको बाहर निकाल लेना है डिस्प्ले के ऊपर, और डिस्प्ले पता और कैमरा का। करने के बाद दोस्तों करना है कि बैटरी पता को ओपन करना है, खोलना है नहीं कि डिस्प्ले पता को भी खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों डिस्प्ले को पुराने को हटा के न्यू डिस्प्ले यानी कि न्यू फोल्डर लगा के एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों, ताकि ऐसा नहीं प्रॉब्लम हो कि हम लोग फोन को फिट कर दिए पर चला डिस्प्ले यानी कि फोल्डर में काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए पहले करने से पहले करना क्या है दोस्तों कि चेक कर लेना हम लोग को कि इसमें वर्क कर रहा है या कि नहीं। चलिए अभी ऑन करते हैं, ऑन ऑफ बटन से ऑन हो रहा है कि नहीं देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल आईफोन 7 में एप्पल लोगो आ चुका है दोस्तों। अब इसको हम लोग बढ़ने देते हैं, बढ़ने के बाद चेक करके दिखाएंगे दोस्तों कि सारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखें दोस्तों, हमने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप ये कैसे कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ऑन ऑफ बटन से ऑफ कर लेते हैं। और आपको दोस्तों डायरेक्ट ऑफ़ नहीं करना है, ये नहीं कि बैटरी निकाल कर ऑफ कर देना, ऐसा नहीं, पावर बटन से ऑफ करना है आपको। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि पुराना न्यू वाले डिस्प्ले को बाहर निकाल लेना, और जो भी पुराने डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट और एयर स्पीकर कैमरा है सारे को आपको खोलना है। अभी कैसे खोलना आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग समझ में आए। देख सकते हैं दोस्तों पुराना डिस्प्ले है, इसको जो फिंगरप्रिंट जो है ना सेंसर जो बोलते हैं हम लोग, सेंसर के ऊपर जो प्लेट लगा हुआ है उसको आपको पहले नट को खोल लेना है। खोलने बाद दोस्तों जो करना क्या है कि सेंसर के ऊपर जो स्टील का प्लेट है उस स्टील को निकालना बाहर, आराम से पूरी मोहब्बत से करना है दोस्तों, किस तरह का हड़बड़ी नहीं, एकदम जैसे तैसे नहीं करना है, जल्दी फल्दी नहीं करना, एकदम बिल्कुल आराम से करना है, फ्री माइंड से, क्योंकि पता है ना आपको आईफोन बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल आराम से आपको खोलना है, कोई पतला चीज की मदद से आपको ओपन करना है आराम से इसी तरह। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल पत्ता उठ गया है, फिंगरप्रिंट पत्ता निकल चुका है दोस्तों। अब इसको हम लोग न्यू वाले डिस्प्ले में लगा रहे हैं, इनके न्यू फोल्डर में लगा रहे हैं फिंगरप्रिंट, इनके जो हम लोग सेंसर भी बोलते हैं, इसको बैठा लेना है। इस तरह आप लोग बैठाना और लेफ्ट राइट देख लेना, दाया बाया देख लेना आपको कि तिरछा उरछा तो नहीं है, परफेक्ट बैठाना है ताकि इस तरह कोई प्रॉब्लम ना आए, आराम से आपको करना है दोस्तों, कोई हड़बड़ाना नहीं है। इसके बाद करना क्या है कि जो स्टील को आप खोले थे पुराने वाले डिस्प्ले से, पुराने फोल्डर से, आपको स्टील को न्यू वाले फोल्डर में सेंसर बैठा के आपको नट को कस देना है, जिस जगह का नट था उस जगह में नट कस देना है, ध्यान से एकदम कस देना है दोस्तों।
करने बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको एक बार फिर से एक बार चेक कर लेंगे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। देख सकते हैं दोस्तों पावर बटन से ऑन किए, ऑन हो चुका है दोस्तों। फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल सारा वर्क कर रहा है, किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। करने बाद दोस्तों करना क्या है आप लोगों को कि एयर स्पीकर और कैमरा का है ना ऊपर में ही रहता है आईफोन का, इसलिए आपको आराम से प्लेट को खोल लेना है। प्लेट खोलने के बाद प्लेट को हटाना आराम से बिल्कुल एकदम फ्रेश, और सारा सामान एकदम बिल्कुल आराम से रखें दोस्तों ताकि कोई सामान गुम ना हो, आराम से खोल लेना। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल एयर स्पीकर बाहर आ चुका है दोस्तों। अब इसको कैमरा को बाहर निकालेंगे क्योंकि कैमरा जो है ना पत्ता में ही अटैच है। बिल्कुल हमको आराम से करना क्योंकि आपको नाजो का पता है, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं पूरी मोहब्बत इनकी पूरा प्यार से आपको करना है, मोहब्बत से करना, उससे मोहब्बत करना आपको। बिल्कुल आराम से ना आपको धीरे धीरे करना है दोस्तों, कोई हड़बड़ी नहीं है दोस्तों। अब अगर हड़बड़ाएंगे तो बिल्कुल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं दोस्तों, बिल्कुल आराम से फ्री माइंड से करना है। बिल्कुल इसी तरह खोलना है और आपको पतला चीज़ की मदद से करना है। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल कैमरा निकल चुका है पत्ता के साथ। आप लोग करना क्या है कि जो नट है ना नट को निकाल लेना है, खोल लेना है, उसको जहाँ नट था उसको वहाँ कस देना है। कसने के बाद पुराना डिस्प्ले को हटा के दोस्तों जैसे हम लोग पुराना डिस्प्ले से कैमरा निकाल लें उसी तरह आपको न्यू वाले डिस्प्ले में बैठा देना है। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि एयर स्पीकर को बैठाना है, जो वाइट वाला जो है ना कैमरा का जो कैप उसको भी डालना है वाइट वाला। सबसे पहले वाइट वाला कैप को डाल लेना है, हल्का सा पेस्ट हो तो पेस्ट लगा के हल्का लगा दीजिएगा दोस्तों ताकि परफेक्ट बैठे, कहीं हिले डोले नहीं, इसे ध्यान में रखना है दोस्तों। बिल्कुल आराम से बैठाना है दोस्तों। और करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको एयर स्पीकर को भी लेके बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठा लेना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है आपको बैठाने के बाद स्टील प्लेट जो है ना ऊपर में जो उसको ऊपर से पकड़ेगा उसको पूरा टाइट से आपको कसना है स्टील को, बिल्कुल आपको कस देना नट को टाइट से एकदम। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल कस आ चुका है और जो एक नट बटा उसको भी कस देना है बिल्कुल। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल कस आ चुका है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आप लोग अभी दिखाएंगे डिस्प्ले लगा के बोर्ड में कैमरा का और एयर स्पीकर का सारा चीज़ कंप्लीट करके सेटअप करके और फिर से करना क्या है कि आपको सारे स्टील जो भी है सारा लगा देना है स्टील प्लेट डिस्प्ले के ऊपर वाला, और कैमरा और एयर स्पीकर जो ऊपर स्टील का प्लेट खोले उसको भी आपको लगाना है बिल्कुल आराम से। और जो भी कसना है दोस्तों पूरा टाइट से कसना है, किस तरह कोई ढीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आराम से आपको कसना है दोस्तों। इस तरह आपको सारे नट को कसना है। अब इसको स्टील वाले नट को
आपको है ना पूरा टाइट कर देना पूरा आराम से। इसके बाद आपको करना क्या है कि बैटरी पत्ता को, डिस्प्ले पत्ता को और फिंगर पत्ता यानी कि सेंसर पत्ता उसको भी आपको लगा देना है। सारे पत्ते को खपाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि स्टील पत्ता को, जो स्टील है ना स्टील को आपको लगा देना पत्ते के ऊपर, बिल्कुल आपको टाइट कर देना है दोस्तों। करने के बाद अब आप लोग को चेक करके दिखाएंगे दोस्तों, वीडियो बने रहें। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल कस आ चुका है। बिल्कुल कसने के बाद जो स्टील का प्लेट है उस जगह में आपको नट को बिल्कुल आराम से कस लेना है। कसने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको बिल्कुल आराम से डिस्प्ले को बैठाना है, एकदम ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल आराम से लॉकर के लॉकर पे ये बैठता है, आपको ध्यान में होगा ही। आप ऊपर की ओर से नीचे की ओर बैठाना है। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल एप्पल लोगो आ चुका है यानी कि ऑन हो चुका है। और करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, जो चार्जिंग पोर्ट के पास है ना दो नट को बिल्कुल एकदम कसना है, एकदम ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है आपको, ये नट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप छोड़ेंगे तो डिस्प्ले कभी भी खुल सकता है, इसलिए आपको ये लॉक है ये लॉक को नट को कस देना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको चेक करके अभी दिखाएंगे, पूरा ऑन होने दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें जरूर से दोस्त, ताकि इस तरह का आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों सारा वर्क कर रहा है, किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हिंद जय भारत।